है? तो जो पार्टी सिस्टम होता है, मतलब वन पार्टी टू एंड मल्टी पार्टी, ईच पार्टी सिस्टम हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट स्टिल वी कांट से दैट एनी वन सिस्टम इज आइडियल. नो नो सिस्टम इज आइडियल, क्योंकि हर एक के डिसएडवांटेज है. अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज. नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को रेकोगनाइज, यानी कि रेकोगनीशन कौन देता है? इलेक्शन कमीशन. किसी पार्टी को रेकोगनाइज का मतलब क्या होता है? रेकोगनीशन देना मतलब इलेक्शन में कंटेस्ट करने का राइट देना, उसको बोलते हैं रेकोगनीशन. और हमारी कंट्री में जो रेकोगनीशन है वो किसके द्वारा जाती है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा. अब अगर कोई पार्टी रेकोगनाइज है, इसका मतलब है दैट पार्टी हैज अ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस. क्लियर? तो इन आर कंट्री पार्टीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी. एक पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ कंडीशंस क्वालिफाई करनी पड़ती है. कौन कौन सी कंडीशंस क्वालिफाई करनी पड़ती है? सबसे पहले तो आपने ये बताना है, आपको बच्चे ये अलग अलग से भी आ सकता है, लाइक यू हैव टू नोट डाउन, यू हैव टू राइट अ नोट ऑन नेशनल पार्टी, राइट अ नोट ऑन स्टेट पार्टी, और इंटर डिफरेंस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी. ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे नेशनल पार्टी क्या होती है. नेशनल पार्टी जो होती है ना, दैट पार्टी विच हैव देयर ब्रांचेस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यानी कि नेशनल पार्टी वो पार्टी है जिसकी ब्रांचेस कंट्री के हर स्टेट में है, अलग अलग पार्ट्स में है. ठीक है, लाइक फोर फाइव से ज्यादा स्टेट्स, मतलब फोर से फाइव से ज्यादा स्टेट्स में होती है, जैसे INC, BJP, ये क्या है? नेशनल पार्टीज. इन पार्टीज की ब्रांचेस हर स्टेट में है. ठीक है, तो ये है नेशनल पार्टीज. नंबर वन आपने याद रखना है कि ये जो नेशनल पार्टीज होती है, इनकी ब्रांचेस, देयर ब्रांचेस आर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया भी होती है, या इन टू डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में होती है. ठीक है, देन फिर हमने बताना है कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है, इलेक्शंस कंटेस्ट करने की जो स्ट्रैटेजी होती है वो नेशनल लेवल पे डिसाइड होती है. पूरी कंट्री के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है. इलेक्शंस के टाइम पीरियड में जब इनकी स्ट्रैटेजी बनती है, तो इनकी सेम स्ट्रैटेजी होती है जो कि पार्टी के लीडर और पार्टी के बाकी मेंबर्स के द्वारा बनाई जाती है. सेम सेम विल बी इन द ऑल स्टेट्स. यानी कि क्योंकि नेशनल पार्टी है पूरी कंट्री, इनका मेन जो है इंटरेस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट. यानी कि ये नेशन, यानी कि इंडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मेन ये ओवरकम या सॉल्व करती है. जो इश्यूज पब्लिक ओपिनियन या जो हाईलाइट करने होते हैं इश्यूज, ये उनको हाईलाइट करती हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए होते हैं, जो पूरी कंट्री के लिए होते हैं. ठीक है, देन अब एक पार्टी जो है वो, उसको नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है. तो इसमें क्या है? या तो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम आपको पता लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे 2019, या उससे 5 साल पहले. ठीक है, तो लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी को टोटल 6% ऑफ द टोटल वोट्स मिलते हैं पूरी लोकसभा के, यानी कि पूरे इंडिया में, पूरी लोकसभा यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी वोट्स पड़े, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लगा लो ना, जितनी पॉपुलेशन, आप सारी तो सारी वोटिंग नहीं करेगी, है ना, तो ऑब्वियसली जो 18 ईयर अबव है वही वोट करेंगे, कहीं नहीं भी करते. तो आप ये सोचो कि जितने वोट्स पड़े अलग अलग मतलब पार्टीज को, उनमें से 6% ऑफ द टोटल वोट्स उस पार्टी को होने चाहिए, तो वह पार्टी क्या बनेगी? नेशनल पार्टी. ये सारा इलेक्शन कमीशन जो है वो सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, तो कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी डाटा कलेक्ट किया जाता है. यानी कि कंट्री में जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उन लोकसभा के इलेक्शंस में टोटल वोट्स, जितने भी वोट्स पड़ते हैं उनका 6%, यानी कि 6% एटलीस्ट जिस पार्टी को मिलता है उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन नेशनल पार्टी का स्टेटस दे सकता है. यानी कि अगर कोई पार्टी कहती है इलेक्शन कमीशन के पास जाकर कि हमें जो है वो रीजनल स्टेटस दिया जाए, नेशनल स्टेटस दिया जाए, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन पहले वेरीफाई करता है. ठीक है, सेकंड, और इसमें हम और लगाएंगे या फिर असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स. यानी कि एक ऐसी पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है जिसकी एटलीस्ट 4 स्टेट्स, यानी कि जो अगर लोकसभा में बाई चांस वो नहीं है,
सपोज अगर वो लोकसभा में नहीं है, एटलीस्ट असेंबली इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस का मतलब जैसे MLAs जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, एटलीस्ट 4 स्टेट से ज्यादा उनकी जो है वो ब्रांचेस होनी चाहिए, और वहां पे उस पार्टी के 4 स्टेट से ज्यादा यानी कि स्टेट के अंदर MLAs होने चाहिए, 4 स्टेट्स यानी कि उनकी पब्लिसिटी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में होनी चाहिए। देन अगर ये भी नहीं है, और इसमें भी आप और लिख सकते हो, और 4 सीट्स इन लोकसभा, यानी कि उस पार्टी के 4 MP एटलीस्ट बने, 4 सीट्स का मतलब 4 MP, 4 सीट्स मींस 4 MPs। अगेन आई एम रिपीटिंग, नेशनल पार्टी नेशनल लेवल पे होती है, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, पूरी कंट्री में ब्रांचेस होती हैं या कुछ स्टेट्स में ब्रांचेस होती हैं। नेशनल पार्टी बनने के लिए इलेक्शन कमीशन रिकॉग्निशन देता है, लेकिन उस पार्टी को ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, इन तीनों में से कोई भी एक, या तो उस पार्टी को टोटल लोकसभा में जितने भी वोट्स पड़े उसका 6% मिला हो, या फिर अगर वो पार्टी जो है एटलीस्ट इंडिया की 4 स्टेट्स में उसके MLAs हो, या फिर उस पार्टी को लोकसभा में यानी कि लास्ट सपोज 2019 में उस लोकसभा के जब इलेक्शंस हुए तो 543 में से टोटल 543 सीट्स है ना इलेक्टेड सीट्स, उसमें से एटलीस्ट उस पार्टी के 4 MP जीतने चाहिए, 4 सीट्स उनको जीतनी चाहिए, 4 MP होने चाहिए, तो ही वो पार्टी जो है वो क्या बनती है, नेशनल पार्टी। अब आ जाओ स्टेट पार्टी, स्टेट पार्टी में क्या होगा, स्टेट पार्टी जो है वो वर्क करती है इन स्टेट्स, इसमें एक बताओगे 2 or more, मतलब 2 or more, मतलब 1 जो नेशनल पार्टी जो स्टेट पार्टी, जैसे अकाली दल सिर्फ पंजाब में, कई बार कोई स्टेट पार्टी 2 स्टेट्स में हो सकती है, मतलब 1 or more भी लिख सकते हो, 1 or 2 लिख सकते हो, 1 or 2, ठीक है। स्टेट पार्टी जो होती है वो 1 स्टेट या 2 स्टेट में होती है, इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो स्टेट लेवल की होती है, इनके जो इश्यूज होते हैं वो स्टेट लेवल के इश्यूज होते हैं, उन्होंने जो सपोज पंजाब में है, अकाली दल ने सिर्फ पंजाब के इश्यूज को ही पिक करना, ठीक है। देन इसके अलावा इनकी स्ट्रैटेजी स्टेट लेवल पर डिस्कस होती है, इनके स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं, और क्वालिफाई करने के लिए रिकॉग्निशन देने के लिए जब ये कोई भी पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास जाती है स्टेट पार्टी का जो है स्टेटस लेने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन क्या देखते हैं कि लास्ट लोकसभा MLA जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए, जैसे अब होने हैं ना 14 February को विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, ऐसे ही इलेक्शन कमीशन क्या देखता है कि जो लास्ट विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उन इलेक्शंस में उस पार्टी को टोटल वोट्स का 6% पड़ा था, अगर तो था तो वो उसको स्टेट पार्टी बना देंगे, अगर नहीं है तो नहीं, या फिर उस पार्टी के एटलीस्ट 2 सीट्स मतलब 2 MLA, उस पार्टी के 2 MLA होने चाहिए, ठीक है। सपोज इस बार की बात है, अगर 14 February को जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद, ठीक है, तो अगर कोई ऐसी पार्टी है जो पहले स्टेट पार्टी नहीं थी लेकिन अब उस पार्टी के 2 MLA जीत गए, तो वो पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास जाकर क्लेम कर सकती है कि हमारी पार्टी को स्टेट पार्टी की रिकॉग्निशन दी जाए, हमने कौन सी कंडीशन को क्वालिफाई कर लिया है, वी हैव 1-2 seats इन द स्टेट असेंबली। सिमिलरली अगर कोई ऐसी पार्टी है जो नेशनल पार्टी नहीं है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर ये क्लेम कर सकते हैं कि हमने एटलीस्ट 4 MPs हमारे जीते हैं, तो हमारी पार्टी को क्या मिलेगा, नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है पार्टी को रिकॉग्निशन देने का क्राइटेरिया बाय द इलेक्शन कमीशन। तो अब आपके 3 क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं, राइट अ नोट ऑन नेशनल पार्टी, राइट अ नोट ऑन स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी, और इंटर डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड स्टेट पार्टी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? अभी तक हमने इस चैप्टर में जो कवर किया है, दैट इज मीनिंग, फीचर्स, नीड, व्हाई डू वी नीड, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज किए हमने, ठीक है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चैलेंजेस वी हैव डिस्कस्ड, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, देन रिफॉर्म्स एंड सजेशंस कि क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, क्या क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं, देन पार्टी सिस्टम हमने किया, 1 party system, multi-party, 2 party system, फिर हमने किया टाइप्स ऑफ पार्टी, नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। अब बच्चे हमने क्या करना है, आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजीज मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेम और उनके फीचर्स, ठीक है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अलग अलग पार्टीज जो हैं, 7 parties आपने लिस्ट बनानी है कि हमारी कंट्री में टोटल जो नेशनल पार्टीज कितनी है, 7 parties है। नाउ 1 by 1 वी विल डिस्कस अबाउट दीज पार्टीज, बिकॉज एनी क्वेश्चन कैन कम
फ्रॉम दीज आइडियोलॉजीज. पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, मैनिफेस्टो या जो भी इनका इंफॉर्मेशन, ठीक है, वे फॉरवर्ड. इंटर डिफरेंस में आप नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का एक एग्जांपल लिख के भी इसका डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ लिस्ट, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर, वन मार्क क्वेश्चन. हाउ मेनी नेशनल पार्टीज आर देयर, नेशनल पार्टीज कितनी है, तो उसके लिए टोटल अगर तो डिजिट में है तो 7 पार्टीज, और अगर नेम लिखनी है तो यू हैव टू राइट डाउन नेम. नंबर 1 AITC, वी विल राइट डिटेल अबाउट AITC की सारी डिटेल हमने इसमें बतानी है. अगर ये आता है तो पर्टिकुलर, अगर ये आता है राइट आइडियोलॉजी ऑन AITC, ठीक है. देन सेकंड इज BST. थर्ड पार्टी जो है दैट इज CPIM. फिफ्थ BJP. सिक्स्थ NCP and 7th INC. Here, अब आपको इनकी सबकी फुल फॉर्म, इनके डिटेल, इनके सिंबल्स वो सारे आने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन विल डिस्कस AITC. AITC की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. ऑल इंडिया तृणमूल, तृणमूल वर्ड, पहले इसको फुल फॉर्म जो है उसकी देखो. All India Trinamool Congress. अब वन बाय वन हमने सारी इंफॉर्मेशन, आपने एटलीस्ट हर पार्टी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है. तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें आपने एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यू हैव टू प्रिपेयर 6 or 7 लाइन्स. तो सबसे पहले AITC फुल फॉर्म तो गिवन हो गई है ना. सपोज आपसे पूछा जाता है राइट अ नोट ऑन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं, तो ऑलरेडी गिवन. फिर हमने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, सबसे पहले इसका बताना है सिंबल. ये आपको हर पार्टी का पता होना चाहिए. इस पार्टी का जो सिंबल है वो क्या है, फ्लावर एंड ग्रास. फ्लावर एंड ग्रास, फ्लावर एंड ग्रास इज अ सिंबल ऑफ AITC, ठीक है. अब ये पार्टी लॉन्च कब हुई थी, 1st January 1998. दिस पार्टी वॉज लॉन्च इन 1st January 1998. लॉन्च का मतलब क्या है, यानी कि फाउंडेशन कब बनी, 1st January 1998, अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी. यानी कि इस पार्टी का नाम मेन सुप्रीमो, इसका मतलब जिसमें कहते हैं कि मेन इनका नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है, ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी. देन इसके बाद लेकिन इनको रिकॉग्निशन कब मिली, नेशनल पार्टी की रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी कौन से ईयर में मिली, 2016, ठीक है. अब कितने ही आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, लेकिन सबसे पहले आप याद रखो सिंबल, उसके बाद इसकी फाउंडेशन, फाउंडर ईयर कौन सा ईयर, 1st January 1998, देन 2016 इनको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला, ठीक है. और मेन इनकी पार्टी की सुप्रीमो कौन है, ममता बनर्जी, ठीक है. देन इसके बाद इस पार्टी की आइडियोलॉजी, मेन टैगलाइन, टैगलाइन का मतलब होता है आइडियोलॉजी, मेन ही किस पे बिलीव करते हैं. आपने ये बताना है कि ये पार्टी बिलीव करती है सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, कि कंट्री का सेकुलरिज्म जो है और फेडरलिज्म जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है. और मेन इसका जो बेस हम कह सकते हैं कि कहाँ पे इसका बेस ज्यादा स्ट्रांग है, वेस्ट बंगाल में इसका बेस ज्यादा स्ट्रांग है इस पार्टी का, ठीक है. सिंस 2011, यानी कि 2011 से ये पार्टी जो है वो वेस्ट बंगाल पे रूल कर रही है. 2011 वहां पे इनका बेस
स्ट्रॉन्ग है. बेस स्ट्रॉन्ग का मतलब वोटर्स, वहां पे वोटर्स इनकी पार्टी को सपोर्टर्स ज्यादा है तो वहां पे हमेशा जीतती है. इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अलावा और भी दो तीन स्टेट्स के नाम आप यहाँ लिख सकते हो. कौन कौन सी स्टेट्स में ये इसकी मतलब जो बहुत ज्यादा सपोर्टर्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा. ठीक है, अब हमेशा याद रखना लास्ट लोकसभा रिजल्ट, हमेशा याद रखना कोई भी पार्टी लिख रहे हो ना उसकी सीट्स याद रखना कि उस पार्टी को लास्ट लोकसभा में कितनी सीट्स मिली थी. लाइक 2019 में इस पार्टी को टोटल सीट्स कितनी जीती इन्होंने? 22 सीट्स. इट मींस देखा जाए तो हमारे इंडिया में लोकसभा में इस पार्टी के कितने एमपी हैं? 22 एमपी. और नेशनल पार्टी बनने के लिए कितनी सीट चाहिए? 4 सीट्स. तो मोर देन अबव है, तो दैट्स व्हाई दिस पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी. ठीक है, तो यू कैन राइट, यू कैन लर्न 5-6 सेंटेंसेस फॉर ईच एंड एवरी पार्टी. हर एक पार्टी का सिंबल, फाउंडर, जो भी गिवन होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपने बताना. ठीक है, तो इस तरह से ये पार्टी जो है एक नेशनल पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस जो है इस पार्टी को मिला हुआ. ठीक है, तो ये थी AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. नेक्स्ट आ जाओ BSP. BSP की फुल फॉर्म क्या है? बहुजन समाज पार्टी. बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी का सिंबल क्या है? एलिफेंट. इलेक्टोरल सिंबल क्या है इस पार्टी का? एलिफेंट. ठीक है, फाउंडर ईयर कौन से ईयर में बनी है पार्टी? 1984 में ये पार्टी बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ लीडर, मतलब इनके लीडर फाउंडर कौन थे? कांशीराम. लीडर थे कांशीराम. ठीक है, 1984 ईयर याद रखो, लीडर कौन थे इनके? कांशीराम. एंड इन इस पार्टी का जो मेन एजेंडा है, बेस जो है, वो किनको सपोर्ट करते हैं? दलित्स, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस. ओबीसी मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेस, आदिवासी. ठीक है, और रिलीजियस माइनॉरिटीज को ये प्रमोट करते हैं. ठीक है, एंड इसके अलावा इस पार्टी के जो लीडर्स हैं या मेंबर्स हैं उनके ऊपर किनकी जो है वो फिलॉसफी या किनके आइडियाज जो है वो ज्यादा किससे इंस्पायर्ड है ये? तो दो तीन आपने नेम बता देने. साहू महाराज, जिन्होंने दलित्स के लिए बहुत काम किया. ज्योतिबा फूले, पेरियार, ईवी रामा स्वामी नायकर. ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर. तो कोई भी दो तीन नाम आप यहाँ बता सकते हो कि इनकी आइडियोलॉजी से ये इंस्पायर्ड हैं और ये दलित्स के लिए, ओबीसी के लिए बहुत ज्यादा जो है वो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, देन फिर आपने बताना है इसका मेन बेस कहाँ पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे इनके लार्जेस्ट सपोर्टर्स वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं. मेन बेस कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश में. ठीक है, लेकिन इसके अलावा सिर्फ यूपी में भी नहीं, और भी स्टेट्स हैं. लाइक कौन कौन से? दो तीन स्टेट्स बता दो. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इवन पंजाब में भी है. पंजाब में भी है. ठीक है, दिल्ली है. तो दो तीन स्टेट्स के नाम बताओगे कहाँ पे इन स्टेट्स के वोटर्स ज्यादा हैं. देन फिर हमने बताना है लास्ट लोकसभा रिजल्ट. लास्ट लोकसभा रिजल्ट में हमने बताना है कि इस पार्टी को 2019 में कितनी सीट्स मिली? 10 सीट्स, 10 एमपीज. ठीक है, यानी कि बीएसपी के टोटल हमारे लोकसभा में कितने एमपीज है? 10 एमपीज है. तो इस तरह से ये जो है नेशनल पार्टी है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट जो भी इनकी कंडीशन है उसको क्वालिफाई करती है. दैट इज बहुजन समाज पार्टी. हाँ जी, अब आ जाओ थर्ड, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी
ऑफ इंडिया, दोनों सेम है लेकिन ये अलग हो गई थी, इनके बीच में स्प्लिट हो गई, लीडर्स के बीच में आपस में जिसे हम कहते हैं कि डिबेट डिस्कशन हुई, और किसी मेंबर जिसे हम कहते हैं कि जो जिस मेंबर की इनकी एडवाइजर नहीं बनी उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई, ठीक है। तो ये है सेम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यहाँ पे एम का मतलब है मार्क्सिस्ट आइडियाज, मार्क्स कार्ल मार्क्स, मार्क्सिस्ट जो कार्ल मार्क्स रशियन रेवोल्यूशन जिसके मतलब से मेन कहते हैं कि जिनके बुक्स को पढ़ के रशिया में रेवोल्यूशन आया उनसे इंस्पायर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दोनों ही पार्टी का मेन जिसे हम कहते हैं कि सारा एम आइडियोलॉजी वैसे तो सेम है लेकिन फर्क क्या है सिंबल्स, क्योंकि अलग अलग हो गई ना, तो अलग अलग पार्टी है तो पढ़ना भी अलग अलग है। अब सीपीआई के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, सीपीआई जो है सीपीआई कौन से ईयर में बनी थी, इंडिपेंडेंस से पहले 1925, आपको याद होगा जब हमारी कंट्री में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब मूवमेंट से लोग थक चुके थे, ठीक है, उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में फिर जो है वो लोगों का मेन मानना था कि मूवमेंट्स नहीं बल्कि इलेक्शंस जीत कर प्रोविंशियल उसमें जाइए, तो उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में सीपीआई बनी थी क्योंकि उस टाइम पीरियड में रशियन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट लोगों ने देखा था। तो ये 1925 अपने इंपॉर्टेंट ईयर याद रखना है। ये पार्टी भी मार्क्स लेनिन जो है उसके आइडियाज को बिलीव करती है, ठीक है। इस पार्टी का भी मेन आइडिया क्या है, सेकुलरिज्म लाना, डेमोक्रेसी लाना, और ये अपोज करते हैं सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन को अपोज करते हैं। इनका ये मानना है कि पार्टी के ऊपर एक ही फैमिली का होल्ड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए डायनेस्टिक सक्सेशन को अपोज करती है ये पार्टी, ठीक है। और बेसिकली किसके लिए दोनों पार्टीज काम करती हैं, वर्कर्स फार्मर्स, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हैं तो ये वर्कर्स के राइट, फार्मर्स के राइट, पीजेंट्स के राइट्स उनके लिए ज्यादा जो है वो वरिड है, ठीक है। देन इसके बाद इस पार्टी मतलब मेन हमने ये बताना है कि इस पार्टी का जो मेन जिसे हम कहते हैं कि बेस बेस कौन कौन से स्टेट्स में है, केरला सबसे ज्यादा सीपीआई जो है उसका उसके सपोर्टर्स जो है वो कहाँ पे है, केरला, वेस्ट बंगाल में भी है, कुछ पंजाब में भी है, तो दो तीन स्टेट्स के नाम आप बता सकते हैं। और इस पार्टी के लीडर्स के बीच में आपस में जिसे हम कहते हैं कि कुछ डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, जैसे आपने देखा कांग्रेस पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो पार्टी छोड़ गए हैं ना, तो ऐसे ही उन्होंने सीएम अपनी उससे रिजाइन कर दिया, तो कई बार क्या होता है लीडर्स के बीच में कुछ डिबेट्स एंड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ऐसे ही इस पार्टी के अंदर भी ऐसे हुआ। और 1964 में कुछ लोगों ने मिलकर एक अलग पार्टी बना ली जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये पॉइंट आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो कि इस पार्टी में स्प्लिट हो गई। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक बन गई सीपीआई और एक बन गई सीपीआई एम, ठीक है। अब हमने बताना है इनका इलेक्शन का रिजल्ट, इसका इलेक्शन का रिजल्ट, इनकी सीट्स कम है हमारी कंट्री में ना, सीपीआई कभी भी मेजॉरिटी में नहीं आ पाई। इसका रीजन क्या है कि हमारी कंट्री में मेन रिच पीपल ज्यादा और प्राइवेट इंडस्ट्रीज ज्यादा है, उनका होल्ड ज्यादा है, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी कंट्री में रशिया से सोशलिज्म आए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपको याद है लेनिन ने क्या किया था, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी वॉज टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल द डिफरेंट पीपल दे हैड टू डू वर्क ऑन कोल खोज, कुलैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट, रिटर्न। तो हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम इसीलिए ना आए, इसीलिए हमारी कंट्री में जो रिच पीपल है या प्रेशर ग्रुप्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी कंट्री में रशिया की तरह या जिसे हम कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो बंद हो। यही रीजन है कि लोग कम्युनिस्ट पार्टी को इतना वोट यहाँ पे नहीं कर पाते, सपोर्ट नहीं कर पाते, तो इनको बहुत कम वोट पड़ी थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनका जो बेस है ना वो हर स्टेट्स में है, मतलब काफी स्टेट्स में है। कितनी स्टेट्स में इनके एमएलएज हैं, 4 से ज्यादा स्टेट्स में इनके एमएलएज हैं, तो सीट्स नो डाउट कम मिली है। लेकिन उन्होंने दूसरी कंडीशन को क्वालिफाई कर लिया, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि पार्टी का जो मेन एमएलएज है वो 4 से ज्यादा स्टेट्स में होने चाहिए, तो इसके हैं, और इसीलिए इस पार्टी को क्या मिला, कौन सा, दैट इज नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला, ठीक है। तो इनको लोकसभा इलेक्शन में कितनी सीट्स मिली थी, 2 सीट्स, 2 एमएलए से,
2019 के इलेक्शन से, ठीक है, सीपीआई। अब आ जाओ सीपीआई एम, सॉरी ये टू सीट्स यहाँ पे आप लिखोगे, ये सीपीआई की है, अब हमने करना सीपीआईएम। सीपीआईएम सेम मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ये भी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, इनका बिलीव है कि किस तरह से जैसे रशिया में रेवोल्यूशन आया ऐसे हमारी कंट्री में भी प्राइवेटाइजेशन जो है वो बंद हो जानी चाहिए, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, पर हो नहीं पाता क्योंकि हमारी कंट्री में रिच पीपल कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। सोशलिज्म को सपोर्ट करती है, ये वर्ड आपने बताना है, सेम वही रशियन रेवोल्यूशन की तरह। सेकुलरिज्म चाहती है, डेमोक्रेटिक आइडियाज चाहती है कंट्री, ठीक है, और इलेक्शंस को जरूरी मानते हैं, सीपीआईएम मानती है कि कंट्री में इलेक्शंस होने चाहिए, डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक, मतलब ये चार पांच लाइनें तो ना हर एक में आपने बतानी बतानी है कि हर पार्टी ये चाहती है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज रिमूव हो जाए, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉवर्टी रिमूव हो, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो, तो ये हर मतलब आइडियोलॉजी का पार्ट होता है। कोई पार्टी ये थोड़ी कहेगा कि हम जी हमने पॉवर्टी रिमूव नहीं करनी, हमने अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव नहीं करनी, करनी है वो यही कहेंगे, तो वो भी आप इसमें एक्स्ट्रा जो है वो लिख सकते हैं साथ में। फिर इनका सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है, मेन सीपीआईएम का सपोर्ट कहाँ कहाँ, और इनके सिंबल्स, सिंबल जरूर आपने बताने हैं, ठीक है। सीपीआई का सिंबल क्या है, सीपीआई का सिंबल है, इसमें आपने बताना है, दैट इज सिक्कल, ये कुछ ऐसा होता सिक्कल, और साथ में शील्ड, शील्ड मतलब पैडिश, जैसे वो होती है ना वीट की शील्ड होती है इस तरह से, सिक्कल फसल काटते हैं जो, और शील्ड क्योंकि ये फार्मर्स को सपोर्ट करती है, तो फार्मर्स के आइडियल्स को लिया गया है, ठीक है। सीपीआई, सीपीआई एम का क्या है, इसमें हमने बताना है सिक्कल सेम स्टार और हैमर, इसका ही सीपीआईएम का, ठीक है, सिक्कल हैमर एंड स्टार, ठीक है, सिक्कल हैमर एंड स्टार, क्लियर। तो ये सिंबल है इनका सीपीआईएम, सीपीआईएम का हमने मेन बताना है कि सीपीआईएम जो है इसका मेन बेस कौन कौन सी स्टेट्स में पॉपुलर है, तीन चार स्टेट्स बता दो, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है इसका बेस, वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, ठीक है, और इसके अलावा दो तीन स्टेट्स और हैं, ठीक है, तो आपने दो तीन स्टेट्स ही बताओ, स्पेशली पुअर फैक्ट्री वर्कर्स उनके लिए मेन ये काम करती है, ठीक है। और अब आपने फिर ये बताना है कि वेस्ट बंगाल में ये 34 ईयर्स सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम, 34 ईयर्स वेस्ट बंगाल, मतलब इस पार्टी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वेस्ट बंगाल में 34 ईयर्स से ज्यादा। देन लोकसभा इलेक्शंस में इसको कितनी सीट्स मिली, टोटल 3 सीट्स, अब आप कहोगे कि मैम नेशनल पार्टी का आपने बताया 4 सीट चाहिए, लेकिन ये बाकी कंडीशंस क्वालिफाई करती है, इनके एमएलए 4 सीट से ज्यादा हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको नेशनल पार्टी की रिकॉग्निशन मिली गई, और या फिर इनके पिछले से पिछले लोकसभा के इलेक्शंस में 4 से ज्यादा सीट्स, ठीक है। तो एक बार किसी पार्टी को जब नेशनल स्टेटस मिल जाता है ना, तो ये नहीं कि अगली बार या नहीं है तो उनका हट जाए, एक दो पिछले से पिछले रिजल्ट को भी कंटिन्यू कर लिया जाता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सीपीआई एंड सीपीआईएम। टुडे आई हैव डिस्कस विद यू 4 पार्टीज एंड डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी, ठीक है, एनी डाउट बेटा, रेस्ट आई विल डिस्कस विद यू नेक्स्ट पार्टी जो है दैट इज बीजेपी, देन एनसीपी एंड आईएनसी। हाँ जी, एनी डाउट बेटा, रेज योर हैंड।